The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So let's talk about PCOD, polycystic ovarian syndrome. क्या होता है polycystic ovarian syndrome? This is basically एक hormonal disorder है, एक hormonal problem है, जिस जो के बहुत common है, जो middle age female, मतलब middle of reproductive age group, reproductive age group मतलब 15 साल से ऊपर की जितनी females हैं, उन लोगों को polycystic ovarian disease बहुत commonly, infrequently हो जाता है, जिसके वजह से हो सकता है infrequent irregular menstruation, menses, excess male hormone androgen levels, because of that उनको होगा दाढ़ी आनी है, क्या बोलते हैं उसको, pimples ज़्यादा आने, right, बाल, females को, भाई साहब females को, and prolonged menstrual period, लंबे समय तक bleeding होना, और बीच-बीच में cycles थोड़े दिन late आने, थोड़े दिन जल्दी आने, whatever, these are the irregularities. हो क्या जाता है उनकी जो ovaries हैं, there are two ovaries, one left one right, ovaries के अंदर बहुत सारे small small fluid collection follicles बन जाते हैं जो के egg release नहीं कर पाते, so regularly egg release नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर जमा होते जाते हैं, एक माला बन जाती है अंदर, polycystic एक माला, पक 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 पक, polycystic ovarian disease बन जाती है. Now what will happen? See, the reason for this is bad lifestyle and some genetic problem. Yes, genes bhi possible hai, but the main reason is your weight, overweight. Right? Agar aap wo mote hain, agar aapki lifestyle kharab hai, to aapko polycystic ovarian disease hoga. Agar aap patle hain aur best diet lete hain, achhi exercise karte hain, to polycystic ovarian disease hone ke chances na ke barabar. Now you have to understand the consequences of this problem. मतलब इसके इसके होने वाले साइड इफेक्ट्स, इसके सिम्टम्स, इसके असर आपके बॉडी में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर इसको नहीं ठीक करोगे तो आपको डायबिटीज भी होगा, तो आपको सारे कॉम्प्लिकेशन होंगे, मोटापे वाले, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इनफर्टिलिटी हो सकता है, प्रेगनेंसी ना हो पाना हो सकता है. सो दिस इज नॉट अ सिंपल प्रॉब्लम, राइट. सो क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इज डेवलप फर्स्ट टाइम जब आपसे जब आपको पहली बार पीरियड आता है, उसी टाइम के आसपास डेवलप हो जाता है. अगर कई लोगों में, कुछ लोगों में, नॉट एग्जैक्टली एवरीबडी, बट कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को ये बाद में भी हो सकता है, और कुछ लोगों को ये कब होगा, जब वो वेट गेन करेंगे. जी हाँ, नंबर वन रीजन इज वेट गेन, और ओवरवेट नहीं है तब भी हो सकता है, दैट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट वन ऑफ द एसोसिएटेड फैक्टर इज वेट गेन. और वेट गेन कम करने से देखा गया है ज्यादातर केसेस में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कम भी हो जाता है, भाई साहब. सो नंबर वन सिम्टम इज इररेगुलर पीरियड और एक्सेस एंड्रोजन्स, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, तीन ही चीज है. इररेगुलर पीरियड होना है, या तो इनफ्रीक्वेंट होंगे, या इररेगुलर होंगे, या प्रोलॉन्ग होंगे, मतलब कभी कभी जल्दी आ रहे हैं, कभी कभी लेट आ रहे हैं, और लंबे समय तक ब्लीडिंग हो रही है. ये सबसे कॉमन सिम्टम है और सबसे ज्यादा लोगों को होता है. अगर आपको 35 दिन से ज्यादा हो जाता है पीरियड की बिटवीन और एबनॉर्मल हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको अल्ट्रासाउंड करा के चेक करा लेना चाहिए. एंड्रोजन्स यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आपके अंदर हाई हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आ सकते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज बाल हर्सुटिज्म, कान के बाल, फेस के बाल, इधर उधर एक्ने, मेल पैटर्न बॉल्डनेस, ये सब आपको हो सकता है. जी हाँ, फीमेल्स को ऐसा हो सकता है, इट्स पॉसिबल. पॉलीसिस्टिक ओवरीन्स मिल सकती है, जैसे हमने बोली माला, अल्ट्रासाउंड पे अगर अल्ट्रासाउंड आप करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको डॉक्टर को जब देखेंगे तो पहला चीज वो यही बोलेंगे. सो क्या कारण है इसका, लेट्स लुक इनटू द बेसिक रीजन. नंबर वन रीजन इज एक्सेस इंसुलिन. जी हाँ, इंसुलिन इज अ हॉर्मोन जो आपकी पैनक्रियाज बनाते हैं, और वो आपके बॉडी के अंदर जो शुगर आता है, उस शुगर को बेसिकली सेल्स के अंदर ले जाने में काम करता है इंसुलिन. मगर अगर इंसुलिन, या अगर आप ज्यादा शुगर खाओगे, ज्यादा सिंपल शुगर खाओगे, मतलब
शक्कर, गुड़, चीनी, शक्कर, वट एवर यू कॉल इट, मीठा खाओगे उससे बनी हुई कोई चीज़ खाओगे, मैदा खाओगे मैदे से बनी हुई कोई चीज़, बिस्किट, ब्रेड, बेकरी वाली चीज़ें ज़्यादा खाओगे, मिठाई ज़्यादा खाओगे, मोटे हो जाओगे, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पियोगे, तो इन सब चीज़ों से इंसुलिन एक्सेसिवली बनता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस इंसुलिन आपके अंदर बढ़ेगा और इंसुलिन रेजिस्टेंट होते जाएगा। और ये नंबर वन रीज़न है जो आपके बॉडी के अंदर एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, इंसुलिन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। जी हाँ जी हाँ, इसीलिए कई बार बॉडी बिल्डर इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन भी लेते हैं, जी हाँ जी हाँ, बाकी चीज़ें भी लेते हैं। सो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, ओवरीज के ईस्ट्रोजन ऑलरेडी हाई है, थोड़ा बहुत उनका जो बैलेंस होना चाहिए वो इम्बैलेंस हो जाता है एंड यू हैव पॉलीसिस्टिक ओवरी। नंबर वन रीजन इज दिस, राइट, इंसुलिन एंड योर ईटिंग हैबिट्स। सो इसको ठीक करो, यू माइट गेट बेटर। Then the second thing is low grade inflammation. Now what is this? low grade inflammation मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो आपके पुलिस वाले हैं, जो इन्फेक्शन फाइट करते हैं, जो आपको बचाते हैं, वो देखा गया है कि रिसर्च में ये देखा गया है कि ओवरीज के अंदर ही जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज डेवलप होती हैं उनके अंदर ही माइल्ड लो ग्रेड इन्फ्लामेशन चलता रहता है। तो वहां पर ही कोई ना कोई, जैसे कश्मीर जैसी हालत होती रहती है वहां पे, सो वहां कहीं ना कहीं दंगे फसाद होते रहते हैं और वहां से भी एंड्रोजन सिक्रीट होते हैं, जिसके वजह से टेक्निकली आपको सारे प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड वेसल प्रॉब्लम, डायबिटीज, ये सब होते हैं। सो देर आर टू थ्री थिंग्स हियर, लो ग्रेड इन्फ्लामेशन, हाई लेवल ऑफ इंसुलिन एंड देन ऑब्वियसली एक्सेस एंड्रोजन, ज्यादा मात्रा में आपके अंदर एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होने, उसके वजह से आपको मेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर जीन्स, योर जेनेटिक्स, हेरिडेटरी, आपके फैमिली में लोगों को हुआ है तो आपको होने के चांसेस हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लिव विद दैट एंड मैनेज दैट, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर नहीं करोगे मैनेज तो ऑब्वियसली विल हैव इनफर्टिलिटी, बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, जेस्टेशनल डायबिटीज होगा भी, प्रेगनेंसी होगी भी तो उसके अंदर डायबिटीज हो सकती है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, प्री मेच्योर बर्थ हो सकता है, दिस इज नॉट गुड, दिस यू डोंट वॉन्ट दैट, कौन चाहता है ये सब उनके साथ हो, राइट। देन देर आर लिवर के अंदर फैट जमा हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस विच इज सिवियर लिवर इन्फ्लामेशन बिकॉज ऑफ फैट इन साइड द लिवर, लिवर के अंदर इतना फैट है कि लिवर में ही इन्फ्लामेशन हो रहा है, लिवर खराब हो रहा है, नॉट गुड, वेरी वेरी बैड। मेटाबॉलिक सिंड्रोम बन सकता है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, मतलब आपके हार्ट का रिस्क सोचो कितना बढ़ जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क आगे चल के, इट्स नॉट लाइक कल ही कुछ होने वाला है, इट्स लाइक 5-10 years, सो यू हैव टाइम, छोटे छोटे स्टेप्स लो, आज ही तो ठीक हो जाओगे यार, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स नॉट लाइक दो गोली खाओ और ठीक हो जाओ, इन्फेक्शन नहीं है ये, लाइफस्टाइल डिजीज है, राइट। सो देन कॉम्प्लिकेशंस आर टाइप 2 डायबिटीज, प्री डायबिटीज, स्लीप एपनिया, मोटे हो गए तो खर्राटे लेने शुरू करोगे, नींद सही से नहीं आएगी, ऐसी तैसी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर्स, राइट, एबनॉर्मल यूटराइन ब्लीडिंग, कैंसर, ये सब चीजें हो सकता है। जी हाँ, एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है आपको अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा। जी हाँ, ओबेसिटी एक बहुत मोटापा बहुत बड़ा फैक्टर है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के साथ एसोसिएटेड, और जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को बहुत ही ज्यादा जोरदार तरीके से बढ़ा सकती है उसकी प्रॉब्लम। सो हाउ विल यू गेट इट डायग्नोस, हाउ विल यू ट्रीट इट? भाई साहब, उसका कोई डेफिनेट टेस्ट नहीं है, अल्ट्रासाउंड करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, और अल्ट्रासाउंड में अगर वेट बढ़ा हुआ है, सारे फैक्टर्स बता रहे हैं आपके अंदर भैया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है तो है। सो दिस इज हाउ वी सी, राइट, हेयर ग्रोथ देखते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, एक्ने, पेल्विक एग्जाम होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के लिए, यू कैन चेक फॉर पॉसिबल मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज, एंड्रोजन लेवल्स, ये सब देखा जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, शुगर, ये सब चेकअप किया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, नीचे अल्ट्रासाउंड आपका सिस्ट दिखाएंगे पॉलीसिस्टिक, कई बार ऊपर से ही हो सकता है, कई बार वेजाइना के अंदर से करना पड़ता है, जी हाँ करना पड़ता है। सो दैट इज द थिंग, दिस इज हाउ यू डायग्नोस इट, राइट। सो इफ यू हैव अ डायग्नोसिस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप भैया रेगुलरली अपना ब्लड चेकअप, ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करो, ब्लड ग्लूकोज रेगुलरली चेक, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, और रेगुलरली ध्यान रखो कि आपको कहीं कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा जितने भी हमने बताया। ट्रीटमेंट, नंबर वन ट्रीटमेंट कुछ और नहीं है, लाइफस्टाइल। जी हाँ, इसीलिए सारे आयुर्वेदा वाले, सारे नेचुरल थेरेपी वाले बोलते हैं हम ही ठीक कर सकते हैं, हमारी जड़ी बूटी, क्योंकि ट्रीटमेंट कुछ है नहीं,
ट्रीटमेंट कुछ है नहीं, कोई खतरनाक 1.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन नहीं है, राइट, कोई ऑपरेशन नहीं है, राइट, ट्रीटमेंट इज लाइफस्टाइल चेंजेस, बेसिक ट्रीटमेंट है, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड सिंपल मेडिकेशन, नथिंग एल्स, राइट. व्हाट आर द लाइफस्टाइल चेंजेस? यार पतला होना है, लो कैलोरी डाइट, लो कैलोरी लो कार्ब डाइट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट अलॉन्ग विथ एक्सरसाइज. अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो नो पॉइंट इन टेकिंग एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. लो कैलोरी लो कार्ब डाइट विद एक्सरसाइज, दिस इज योर डेली ट्रीटमेंट फॉर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. इसके लिए भाई साहब 5% अपना बॉडी वेट भी कम कर लोगे ना, 5% सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो जाता है आपकी मेडिकल कंडीशन में. एंड लूजिंग वेट इंक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिसिन ऑल्सो, ऑफ द मेडिसिन ऑल्सो फॉर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन. एंड देर आर मेडिसिन, ऑब्वियसली दवाई तो होती है कोई ना कोई चीज के लिए कहीं ना कहीं से, जैसे कि आपके पीरियड्स इरेगुलर है उसको रेगुलराइज करने के लिए, और आपके अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको बैलेंस में लाने के लिए आपको दिए जाते हैं हार्मोनल पिल्स, हार्मोनल मेडिसिंस, जो कि बेसिकली क्या है, बर्थ कंट्रोल पिल्स, हार्मोनल कंबाइंड बर्थ कंट्रोल पिल्स, जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होते हैं जो कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन डिक्रीज कर देते हैं, ईस्ट्रोजन लेवल रेगुलेट कर देते हैं, आपके हॉर्मोन्स आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलर कर देते हैं, और 2-3 महीने लेने के बाद हो सकता है आप उस 2-3 महीने में वजन कम करें, और उसके बाद 5% वजन कम करने के बाद आपको उसकी जरूरत ही ना पड़े, सो आगे चल के आप नॉर्मल हो जाएं. सो ये बेसिक प्लान होता है इसके लिए. ब्लीडिंग करेक्ट करना है, कैंसर रिस्क कम करना है, इन सब के लिए. और प्रोजेस्टिन थेरेपिन भी हो सकती है. प्रोजेस्टिन यानी 10 से 14 दिन के लिए प्रोजेस्टिन नाम का एक हार्मोन होता है जो एवरी 10 से 14 दिन के लिए लिया जाता है एवरी 1 or 2 months. इससे भी पीरियड्स रेगुलेट होते हैं और एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क कम हो जाता है. लेकिन इससे एंड्रोजन लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता और प्रेगनेंसीज प्रिवेंट नहीं होगी. सो ये प्रेगनेंसी प्रिवेंशन यानी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नहीं है. ये बेसिकली इट्स लाइक अ मिनी पिल जिसमें जिसको इंट्रायूटरिन डिवाइस के जैसे या मुंह से भी खाया जा सकता है. जो लोग मान लीजिए प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन नॉट द बेस्ट. सो यू कैन टॉक टू योर डॉक्टर. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं और भी बहुत सारी मेडिसिन है. एंटी ईस्ट्रोजेनिक मेडिसिन आती हैं क्लोमिड, क्लोमिफिन साइट्रेट, जो के पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले पार्ट में लिया जा सकता है. ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होने वाला जो एलेट्रोजोल है विच इज दी ब्लॉकर फॉर एरोमेटेज इनहिबिटर, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन से ईस्ट्रोजन ना बनने दिया जाए, वो भी कभी कभी यूज होता है, नॉट रेगुलरली. एंड मोस्ट कॉमन मेडिसिन इज मेटफॉर्मिन. जी हाँ, मेटफॉर्मिन, ग्लाइकोमेट, ग्लाइकोफेज, जो भी आप इस नाम से जानते हो, ये बेसिकली डायबिटीज की दवा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की दवा है. इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, इंसुलिन लेवल को कम करती है, सो अल्टीमेटली उसको बढ़ने नहीं देती है. पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो लेनी पड़ती है कई बार. एंड इफ यू आर तो इट्स अ गुड थिंग. मेटफॉर्मिन मोस्ट लोगों को दी जाती है, राइट. और अच्छी बात यह है, डायबिटीज की दवा होने के बावजूद ये शुगर लो नहीं करती. हाई होगा तो नॉर्मल कर देगी, नॉर्मल है तो लो नहीं करती. इट डज नॉट डू दैट, राइट. इसके अलावा लाइक आई सेड गोनाडोट्रोपिन्स भी दिए जा सकते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स, फिर स्पायरोनोलैक्टोन, कई बार एंड्रोजन के इफेक्ट चमड़ी के ऊपर कम करने के लिए स्पायरोनोलैक्टोन एल्डेक्टोन भी दिए जा सकते हैं. बट दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन, दिस इज ऑन रेयर केसेस ये दिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस. और नई नई दवाएं भी आई हैं जैसे कि फेशियल हेयर ग्रोथ के लिए देर इज समथिंग कॉल्ड एज एफ्लोर्निथीन. एंड कई बार इलेक्ट्रोलिसिस भी होता है विच इज नीडल्स डाले जाते हैं हेयर फॉलिकल्स में, जिससे कि हेयर फॉलिकल्स और ग्रो ना कर पाए और भाई साहब आपके बाल ही ना आए जिनको बाल का प्रॉब्लम है. सो बेसिक चीज है मेंटेन अ हेल्दी डाइट. आपको पता है हेल्दी डाइट हमने बहुत बार समझाया वीडियो में. लिमिट योर कार्बोहाइड्रेट, बी एक्टिव, दिस इज द बेसिक थिंग्स विच यू कैन डू एंड I guarantee that you will come out of it. So there is nothing so much. कोई बहुत बड़ा rocket science नहीं है इसको समझना. यही है, इतना ही है. दुनिया में कहीं भी जाओ, किसी को भी सुन लो, this is polycystic ovarian disease. If you have any questions, do ask. And if you have any doubt, watch my videos. Thank you so much. Stay connected. Stay healthy.